एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग प्लस। तो चलिए आज की वीडियो में, जैसा आपके आपको पता है कि मैं हर थर्सडे को एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें इस वीक में मैंने क्या क्या ट्वीट किया है वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें से कुछ ट्वीट मैं आपके साथ टेलीग्राम पर भी शेयर करता हूँ, कुछ ट्वीट जो हमारा मेंटरशिप का बैच है, जो मेंटरशिप के मेंबर्स हैं उनके साथ मैं जो लाइव में मार्केट में ट्वीट करता हूँ वो पूरी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा अच्छा एक चीज़ और कि कल मैंने एक्सपायरी डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर एक वीडियो शेयर किया था। आई होप कि आपने आज उस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड किया होगा और कुछ अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। मैंने खुद ने भी ट्रेड किया था और क्या प्रॉफिट कमाया वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा इस वीडियो में जब हम लोग कंपटीशन पे जाएंगे, राइट। तो चलिए अच्छा एक चीज़ और, मेंटोरशिप के बारे में मैं आपसे एक चीज़ और बता दूँ। आज लास्ट डे मेंटोरशिप का, आज आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज रात 12 बजे तक मेंटोरशिप के रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे, तो आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ अच्छा देखिए, मैं जब मेंटोरशिप के बारे में आपसे बोलता हूँ ना वीडियो में कि आपको मेंटोरशिप में रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो जब मैं कमेंट देखता हूँ तो उसमें बहुत सारे कमेंट ऐसे ही है कि अगर आपको सिखाना ही है तो आप यूट्यूब पर ही क्यों नहीं सिखा देते, मेंटोरशिप करने की क्या ज़रूरत है। देखिए मैं आपको बिल्कुल अभी बिल्कुल फ्रेंकली बताऊँगा, जो एक्चुअल चीज़ें हैं ना वही बताऊँगा। YouTube पे जब मैं कोई स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाता हूँ तो वहाँ पे मैं एक सर्टेन मार्केट कंडीशन के ऊपर बनाता हूँ कि देखिए ये मार्केट कंडीशन है तो इसमें आप किस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आगे अगर इस तरह की मार्केट कंडीशन है तो आप किस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। लेकिन क्या होता है कि रिकॉर्डेड वीडियो में आप हर तरह की मार्केट कंडीशन को नहीं कैप्चर कर सकते, सिर्फ आप जो रिकॉर्डेड वीडियो, जैसे कि यूट्यूब पर मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ उसकी एक लिमिटेशन है कि मैं आपके साथ सिर्फ एक कॉन्सेप्ट शेयर कर सकता हूँ, लेकिन एट द टाइम मार्केट में क्या चल रहा है और किस तरह से एडजस्टमेंट करना चाहिए वो यूट्यूब पे नहीं किया जा सकता। आप भी समझते हैं कि वो यूट्यूब पे नहीं किया जा सकता, उसी के लिए मैंने ये मेंटरशिप बनाया है कि एट अ मोमेंट कि अगर मार्केट में ये पर्टिकुलर कंडीशन आ रही है तो हमें क्या एडजस्टमेंट करना चाहिए या क्या एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि मैं आपको आज की लर्निंग शेयर करूँगा कि आज हमने एक्सपायरी डेट ट्रेडिंग जब किया तो उसमें हमने क्या एक्शन लिया जिससे हमारा प्रॉफिट बना नहीं बना, जो भी होगा वो मैं अभी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर सिखाऊंगा बताऊँगा एक्चुअली। तो ये मेंटरशिप इसलिए मैं करता हूँ कि सो दैट कि अगर आप एक्चुअली में सीखना चाहते हैं तो आप वो कर सकें, और इसीलिए मैंने इसका जो फीस है 2900 रुपीज़ रखा है, सो दैट कि जो भी लोग एक्चुअली में ये मेंटरशिप लेना चाहते हैं उसको अफोर्ड कर सकें। लेट मी टेल यू कि 2900 में कोई भी मेंटरशिप नहीं चलाता है। मैं सिर्फ इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन करना, मतलब आप मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अफोर्डेबल होना चाहिए, और इसलिए मैंने 2900 रुपीज़ इसका रजिस्ट्रेशन का फीस रखा है। और मोस्ट प्रोबेबली ये मैं लास्ट मंथ ही कर रहा हूँ, मतलब ये 2900 में मैं लास्ट मंथ ही कर रहा हूँ, इसके बाद इतने कम प्राइस पे नहीं चला पाऊँगा, राइट। तो ये सारी डिटेल्स थी। अब आप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैं मेंटरशिप क्यों कर रहा हूँ और ये हर वीडियो में मैं क्यों बताता हूँ, मतलब जब भी ये मेंटरशिप लॉन्च होता है तो मैं क्यों बताता हूँ कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी कमेंट में फिर भी आपको लगता है कि मैं मेंटरशिप क्यों चला रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उसका भी रिप्लाई, मतलब उसके भी जो भी रिप्लाई करना होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के बता दूंगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं सारी चीज़ें। चलिए तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा चार्ट दिखा दूँ तो सो दैट कि आपको एक आइडिया मिल जाए। तो आपको अगर यहाँ पे मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊँ तो निफ्टी एक्चुअली मोर और लेस साइडवेज ही था, साइडवेज था, बट आप यहाँ पे देखें, एक सेकेंड मैं आपको यहाँ निफ्टी का चार्ट दिखा दूँ। मोमेंट तो आई थी मार्केट में, आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 140-150 पॉइंट के बीच में आपका मार्केट आज निफ्टी में मूव किया, ऊपर भी गया नीचे भी आया, बट मोर और लेस साइडवेज रहा। लेकिन अगर वहीं हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में काफ़ी ह्यूज मूव देखने को हमें मिले आज के दिन, और अगर आप डे लो और डे हाई की बात करें तो ऑलमोस्ट 650 पॉइंट मार्केट ने मूव किया है, और मार्केट की क्लोजिंग भी 150 एक्चुअली देखिए बैंक निफ्टी के लिए 151 पॉइंट कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ था और उसके बाद मार्केट इतना ऊपर जाके क्लोज हुआ है। एनीवेज अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चार्ट दिखा रहा हूँ, ये टोटल इस वीक में मैंने 5 ट्रेड लिए हुए हैं, ये टोटल 5 ट्रेड है मेरे पास जो इस वीक में मैंने किए हुए हैं, जिसमें से ये वाला ट्रेड और ये वाला ट्रेड मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, और इन दोनों ट्रेड के अलावा ये वाला ट्रेड और ये वाले ट्रेड को मैंने जो हमारा मेंटरशिप का बैच चल रहा है, जो लाइव सेशन चलते हैं उसमें मैंने उनके साथ ये दोनों ट्रेड किए हुए हैं, और ये एक ट्रेड था जो मेरा पर्सनल ट्रेड था। ये एक्चुअली जो ट्रेड मेरा पर्सनल ट्रेड ऐसे बन गया क्योंकि मेरे पास ये वाला ट्रेड था, इसको मैंने स्क्वायर ऑफ कर गलती से कर दिया था, तो उसके अगेंस्ट में मैंने फिर ये 20-20 लॉट्स में एक और ट्रेड बनाया, तो मेरे पास ये पुराना ट्रेड 40 लॉट का है, और उसके बाद मैंने एक उसको मतलब ये दोबारा पोजिशन ओपन करने के बाद मैंने एक और ट्रेड यहाँ पर बनाया, तो ये टोटल मेरे 5 इस वीक में 5 ट्रेड बने हैं।
अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं, देखिए मैं इस चीज़ का आंसर पहले भी कर चुका हूँ कि मैं अपने टर्मिनल पे प्रॉफिट क्यों नहीं दिखाता हूँ। और दूसरा चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, देखिए ये सारे ट्रेड ना, ये वाला ट्रेड और ये वाला ट्रेड मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले टेलीग्राम पे शेयर किया है और जो मैंने एडजस्टमेंट आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर किया है उसी एडजस्टमेंट के हिसाब से मैंने अपना ट्रेड भी किया है। तो यहाँ पे जो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं ना, वो एग्जैक्ट वही प्रॉफिट एंड लॉस है जो मेरे को मेरे अपने डीमैट अकाउंट में हुआ है, राइट? क्योंकि जो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ खुद वो ट्रेड नहीं करूँगा। तो जो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मैं वही एडजस्टमेंट और वही ट्रेड खुद भी करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये टोटल ट्रेड मैंने 40 लॉट्स में किए हुए थे और इस ट्रेड में 1,10,000 के आसपास कुछ प्रॉफिट बनाया। अभी जब मैं पूरा यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा तो इसमें से ब्रोकर वो सारी चीज़ें एक रफ आइडिया मैं निकाल दूंगा, रफली निकाल दूंगा जो भी होगा। ये वाला ट्रेड भी मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर किया था, 20 लॉट्स में किया था मैंने ये। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये टोटल जो ट्रेड मैं यहाँ पे, ये टोटल 5 ट्रेड मैंने किए हैं, इसमें जो कैपिटल यूज़ हुआ है वो 1 लाख करोड़ के आसपास कैपिटल यूज़ हुआ है। इस ट्रेड में मेरा इस पूरे वीक में 35,000 रुपीज़ बना है। और अच्छा, एक चीज़ अच्छी चीज़ ये है कि इस वीक में मेरा किसी भी ट्रेड में लॉस नहीं हुआ है। एक दो छोटे मोटे ट्रेड मैंने ऐसे किए हैं ऐसे जस्ट टेस्टिंग पर्पज़ से, तो बट उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हुआ है क्योंकि उसके बारे में कोई भी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है, तो उसके बारे में मैं यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं दे रहा हूँ। ये एक ट्रेड है, ये वेंसडे टू थर्सडे, अगर आपको याद होगा कि मैंने लास्ट वीक में टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर किया था वेंसडे टू थर्सडे ट्रेड। इस वीक में मैंने टेलीग्राम पे शेयर नहीं किया था क्योंकि पिछले लास्ट वीक में ये ट्रेड इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन इस वीक में ये ट्रेड अच्छा परफॉर्म किया। और दूसरी चीज़ कि ये ट्रेड एक्चुअली में देखिए, अगर अब मैं लास्ट 2 महीने से इसका बैक टेस्ट कर रहा हूँ, मतलब बैक टेस्ट मतलब कि फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रहा हूँ, और लास्ट 2 मंथ से ये ट्रेड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आने वाले टाइम में मैं ये वाले ट्रेड भी आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर करूँगा। इसके बाद ये हमारा एक्सपायरी डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, जो आपको याद होगा जो मैंने वीडियो कल आपके साथ शेयर की थी एक्सपायरी डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर मैंने आज ये वाला ट्रेड किया और ये ट्रेड लाइव में किया था हमने। तो इसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो अभी आपके सामने है। ये वाला मेरा पर्टिकुलर ट्रेड था जो मैंने बाई चांस लिया था, एक्चुअली लेने का प्लान नहीं था लेकिन बाई चांस लिया था क्योंकि मेरा एक मिस ट्रेड हो गया था, उसके अगेंस्ट मैंने ये वाला ट्रेड लिया था। और बट गुड थिंग इज़ कि ये ट्रेड भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में क्लोज हुआ। तो आप यहाँ पे देखें तो टोटल कैपिटल जो मैंने इस पूरे ट्रेड के लिए यूज़ किया है वो ये पांचों ट्रेड के लिए मैं अगर यहाँ पे सारे कैलकुलेट करूँ तो 1 करोड़ के आसपास कैपिटल यूज़ हुआ है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे लॉट साइज आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, 40 लॉट्स इधर दिखेंगे, 20 लॉट्स इधर दिखेंगे, 10 लॉट्स इधर दिखेंगे, 10 लॉट इधर दिखेंगे और 20 लॉट्स इधर दिखेंगे। देखिए कैलेंडर का, और ये सारे कैलेंडर, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये सारे ट्रेड जो हैं ये सारे कैलेंडर के ट्रेड हैं, और ये कैलेंडर के ट्रेड में जो आपका मार्जिन यूटिलाइज होता है वो 50,000-60,000 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से यूज़ होता है, राइट? मतलब एक सेट ऑफ ट्रेड के हिसाब से आपका 50,000 मैक्सिमम यूज़ होता है। तो यहाँ पर मार्जिन का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हाँ जब आपके पास इतने लॉट साइज ज़्यादा होते हैं तो आपका जो स्विंग्स होते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस के जो आपको लॉस दिखता है वो स्विंग्स बहुत हाई होते हैं। तो आप यही कोशिश करिए कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं कैलेंडर के ट्रेड में तो एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से आप ट्रेड करिए, राइट? तो अभी हम लोग एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस मंथ में हमारा क्या, सॉरी इस वीक में हमारा क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा है। तो 1,10,000 रुपये मुझे कुछ इस ट्रेड में मिले हुए हैं, इस ट्रेड में हमें मिले हैं 35,000। मैं रफली एक जोड़ रहा हूँ कि कितना कितना मिला हुआ है, इस ट्रेड में हमें मिले हैं 18,000, इस ट्रेड में मिले हमें 17,000 और इसमें मिले हमें 77,000। सो टोटल यहाँ पे 2,57,000 समथिंग के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। इसमें से मैं अगर ब्रोकरेज चार्ज और गवर्नमेंट चार्जेस भी निकालता हूँ, 7,000 रुपीज़ भी निकालता हूँ। मेरे ख्याल से देखिए जो ज़्यादा ब्रोकरेज गई है वो इस वाले ट्रेड में गई है और इस ट्रेड में गई है, इसके अलावा इस ट्रेड में तो इतनी कोई ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं हुई है। इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ ट्रेड को डिप्लॉय किया, ट्रेड को क्लोज किया, इसमें एक दो एडजस्टमेंट हुई है। तो जो ज़्यादा ब्रोकरेज गई है वो इन दोनों ट्रेड में ही गई है। तो आई थिंक 7,000 रुपीज़ के आसपास ही मेरा जो ब्रोकरेज कटेगा वो एग्जैक्ट 7,000 रुपीज़ या 10,000, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ के आसपास मेरा ब्रोकरेज कटेगा। तो अगर मैं इस वीक का टोटल प्रॉफिट निकालूँ तो 1 करोड़ के आसपास यूटिलाइज हुआ है और 2.5 लाख रुपीज़ इस वीक में मेरे बने हैं, तो मतलब 2.5% के आसपास इस वीक में मेरा बना है। और एंड विच इज़ गुड थिंग, क्योंकि मैं 2% के आसपास ही टारगेट करता हूँ कि मेरा हर वीक में 2% के आसपास रिटर्न बन जाए, सो दैट कि ऑन मंथली बेसिस अगर कोई 1-2 हफ्ते ख़राब भी चले गए तो मैं 4 से 5% रिटर्न के आसपास हर मंथ कमा सकूं। तो वही मेरा टारगेट रहता है। और अभी फिलहाल ये नवंबर का फर्स्ट वीक था, तो नवंबर का फर्स्ट वीक हमारा अच्छा गया।
अब आगे नवंबर में अभी 4 वीक्स और हैं, तो जैसा भी होगा इसकी सारी डिटेल्स मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। जो भी ट्रेड मैं करूंगा, जो भी एडजस्टमेंट मैं करूंगा, उसकी सारी डिटेल्स मैं आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर करूंगा। तो आप टेलीग्राम को अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर मैं अपने जो भी मेरे एडजस्टमेंट होते हैं वो वहाँ पर शेयर करता हूँ। राइट, चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, जो मैं आंसर करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।